असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बॉस लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, एक वीडियो हमने पहले बनाई जो आपने देखी ब्रीडिंग सीजन के स्टार्ट में, तो बहुत से दोस्त कह रहे थे कि आप बुलंद भाई के घर नहीं गए, आप उनके सेटअप की वीडियो दिखाएं, उन्होंने आजकल क्या क्या लगाया हुआ है। तो मैंने कहा चलिए आज आपसे मुलाकात भी हुई है, मुझे बॉक्सेस भी चाहिए थे। हाँ जी, कोई मसला नहीं। मैंने कहा मैं आया हूँ तो वीडियो लाजमी बनाऊँ, दोस्तों की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है बुलंद भाई। वैसे ये सब चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, वैसे वीडियो देखते रहते हैं लेकिन हम फिर भी इनके लिए मेहनत करते रहते हैं। नहीं नहीं, जिब्रान भाई का चैनल सब्सक्राइब करें जी, जरूर करें, क्योंकि जिब्रान भाई जो है ना, ये मैं बताता जाऊँ, ये इसी की जिब्रान भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा जी, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे होते हैं कि हमने इस चैनल से बहुत कुछ सीखा है और जिब्रान भाई जो है वो बिल्कुल वो बताते हैं जो जिब्रान भाई खुद पहले उसका तजर्बा करते हैं, खुद अपने बर्ड्स के ऊपर जो अप्लाई कर रहे होते हैं वही आगे फॉरवर्ड करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ के या किसी से पूछ के जिब्रान भाई वीडियो नहीं बनाते। आप इनके चैनल के ऊपर आपको हर बर्ड्स के बारे में सारी मालूमात जो है वो आप पिछली वीडियो में देखें, आपको बिल्कुल अच्छे से मिलेंगी और बिल्कुल नया शौकीन भी जो है ना वो भी मैं ये सोचता हूँ जिब्रान भाई अगर आपकी सारी वीडियोस देख लेना अच्छे तरीके से तो वो बिल्कुल बेहतरीन बर्ड्स रख सकता है। जिब्रान भाई मैं तो बड़ा मुखलिस होके जी, मतलब मैं जो है ना अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा फैंसियर हूँ, ऐसे ही अच्छा बिजनेसमैन तो नहीं साबित हो सका लेकिन अच्छा फैंसियर जरूर हूँ जी, बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस फील्ड में आने वाले लोगों का कम से कम नुकसान हो। हाँ जी, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, हो सकता है मैं जिस दिन बदल गया समझे आप भी गए इंसान है ना, गलती लालच आई जाते हैं, यानी अभी तक तो नहीं आया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद आगे भी नहीं आएगा जी। नहीं, तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट किए बगैर बुलंद भाई शुरू करते हैं आपके सेटअप से और दोस्तों को दिखाते हैं कि बुलंद भाई जो है आजकल क्या कर रहे हैं, क्या उनको से बर्ड लगाए हुए हैं और इन फ्यूचर को उनसे बर्ड लगाने का प्लान है। जरूर, तो चलिए चलते हैं जी। जी बुलंद भाई, आप सबसे पहले क्या दिखाने लगे हैं आप ये बताइए। बुलंद भाई ये देखें, ये मेरे इस लेन में, सारी लेन में दिखाते हैं दोस्तों को। हाँ जी, इसमें सारे मेरे रिंग नेक्स हैं। अच्छा, और ऊपर वाली सारी लेन में येलोज है। अच्छा, सारी लेन में एंड तक आपने येलो लगाया है। अच्छा, येलोज है। अच्छा, इसी तरह नीचे वाली सारी लेन में व्हाइट और क्रीमी नोज है, व्हाइट और ये क्रीमी नोज। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेड़ है बुलंद भाई, मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ दोस्तों को। जी जी जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। बुलंद भाई क्या कहते हैं, डबल सेक्टर सिंगल सेक्टर? ये डबल सेक्टर क्रीमी नोज, डबल सेक्टर क्रीमी नोज। तो अब आप बर्ड्स का शोर ज़्यादा है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है। और तो इसी तरह से मेरे पास ये नीचे वाली लेन में येलो येलो और वाइट, येलो वाइट जो है वो सारे ब्लू ब्लू आगे ब्लू लगे हुए हैं। बुलंद भाई आपके पास मतलब येलो की कितनी क्वांटिटी लगी हुई है आपके पास, येलो कितने? मेरे पास लगने देना 10 पेयर येलो रिंग नेक के, 10 पेयर येलो। माशाल्लाह साइज में भी बहुत ज़बरदस्त है जी, ये जरा आगे वाले भी थोड़ा जी जी। और बुलंद भाई ये जो ये भी आपके येलो लगा हुआ है माशाल्लाह जी, बिल्कुल येलो। और ये यहाँ पे क्रीमी लो जी, मुझे लगता है कि नीचे वाली सारी लेन में क्रीमी और वाइट है। अच्छा, ऊपर वाली पूरी लेन में येलो है। सही है, ऊपर वाली पूरी लेन में येलो है। नीचे आप अगर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रे रिंग नेक का पेड़ है, ग्रे रिंग नेक का पेड़ है, इसमें लाइट थोड़ी कम है और ये लेन है और वो आगे ब्लू रिंग नेक के सारे पेड़, ये सारे ब्लू रिंग नेक आ गए आपके जी। अच्छा माशाल्लाह। बुलंद भाई आजकल जो है अभी इसकी येलो रिंग नेक के बड़े जोड़े की क्या प्राइस चल रही है अगर किसी दोस्त ने लेना हो तो? इस वक्त येलो रिंग नेक का बड़ा पेड़ जो अगर हम अपनी तसल्ली वाला पेड़ लेके देंगे, हाँ, तो उसकी प्राइस 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये का तसल्ली वाला। और वैसे जो लोग दोस्त जो बाय करते हैं बाहर से, मतलब जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है या ऐसा बंदा जो हिस्ट्री में दे रहा है लेकिन बंदे का पता नहीं है, हाँ वैसे अगर किसी को चाहिए हो तो उसमें 70,000 का मेल, 70,000 का मेल, 60,000 से 55,000-60,000 रुपये तक की मेल, 1,25,000-30,000 रुपये का पेड़ इस तरह बन जाता है। अच्छा 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 जी। बुलंद भाई ये भी सारा आपका आज देख रहे हैं सारा वाइट लगा हुआ है, ऊपर जो है वो सारा येलो लगा हुआ है, येलो। बुलंद भाई माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे साइज के आपके येलो जो बर्ड है, मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह। शुक्रिया बुलंद जी, बहुत बहुत अच्छे साइज के। और ये तो यंग पेयर लग रहा है आपका? जी बिल्कुल, ये ब्रीडर पेयर है, ब्रीडर पेयर है आपका माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे साइज में है। असल में मज़ा तभी आता है येलो रिंगनेक, जरूरी नहीं कि बुलंद भाई येलो रिंगनेक मैंने लगाया हुआ है और मैं कहता हूँ कि मैंने येलो लगाया हुआ है, लेकिन असल में बात होती है उसकी क्वालिटी की कि आपने कितना अच्छा येलो लगाया हुआ है। हमें शौक ही है, असल में हमारा ये बिजनेस नहीं है, हमें तो इसका शौक पहले शौक लिया, अब ये बिजनेस बन गया
तो पहले तो हम शौकीन है ना, तो हम बर्ड को शौक से रखते हैं, जो मेरे खूबसूरत लगता है। जी जी जी, माशाल्लाह ये वाइट का पेड़ है, ये भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा बुलंद भाई, एक सवाल जो है ना वो मेरे जेन में था, मैं आपसे पूछ लूँ, व्हाइट रिंगनेक में जो है वो गानी नहीं आती? जी बिल्कुल, गानी नहीं आती ना, पता नहीं चलता मेल फीमेल का, नहीं पता चलता, कोई आइडिया होता है दोस्तों को पता चल जाए, लोग जो है वो जेंडर कन्फर्म नहीं होता लेकिन वो खरीद लेते हैं बर्ड। असल में अगर तो बर्ड की एज पूरी है ना जिब्रान भाई, एज ढाई तीन साल है जी जी। तो उसमें ये नीचे लाइट फॉन कलर का ना, फॉन लाइट फॉन कलर का, यहाँ पे ऐसे मुस्तैश बन जाता है, यहाँ पे ऐसे मूछे बन जाती है जी जी जी, एयरविंग की सूरत में। हाँ जी, और अगर बर्ड छोटा है छोटा, तो उसकी चोंच जो है वो बनस्बत फीमेल के मेल की चोंच डार्क होती है, डार्क होती है। और फिकी चोंच वाले भी मेल होते हैं, तो पट्ठों में जो है वो डीएनए के बगैर नहीं लेना चाहिए व्हाइट रिंगनेक का मेल। अच्छा, अगर इसकी एज पूरी है तो वो आप उसकी बीक के कलर से और उसकी नेक के नीचे गानी से और उसके आई कलर से ना आप बर्ड को पहचान देते हैं। चलो ठीक हो गया जी। और ये दूसरी लाइन में एक मिनट, और जी मिलान भाई ये जो दूसरी साइड पे है, यहाँ पे आपके जो है वो राह लगे हुए हैं सारे? यहाँ पे सारे राह लगे हुए हैं। ये एक डरबियान का पेड़ है। अच्छा माशाल्लाह, डरबियान बहुत खूबसूरत है, लाइट थोड़ी कम है, माशाल्लाह डरबियान का पेड़ है। बुलंद भाई डरबियान का पेड़ ये आपने सेल करना है, आप आपने लिए रखा हुआ? जिब्रान भाई मुझे तो वैसे यहाँ पे सारे दोनों लाइनों में राह लगाने का ही है जी जी, मेरे पास ये सारे सिमेट्री में राह के लग गए। ये मैंने शॉप से लिया था, ये मेरे पास ब्रीडर पेयर है, ब्रीडर पेयर इसने मेरे पास ब्रीड भी की है। अच्छा, पिछले साल इसने एक बच्चा हैच किया था। अच्छा, और आप बेचना चाह रहे हैं? तो मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। अच्छा चले, डरबियान जो दोस्तों को डरबियान का कंफर्म ब्रीडर पेयर चाहिए वो बुलंद भाई का नंबर तो हर वीडियो में देता ही, आप उसे जो है वो कर सकते हैं जी। और बुलंद भाई ये सारा ऊपर जो है वो एंड तक आपका राह लगा हुआ है, और ये कितने जोड़े हैं बुलंद भाई राह के आपके पास? मेरे पास राह के 20-13 अलहमदुलिल्लाह, 20-13 20 के 20 ब्रीडर है सारे माशाल्लाह, कंफर्म और क्वालिटी वाले ब्रीडर। अच्छा माशाल्लाह, आपका उनका भी प्लान है सेल करने का? राह में मैं कुछ थोड़े कम करना चाहता हूँ, सारे ही सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं 10 पेयर रखूंगा जी जी। और इस लाइन में भी मैं थोड़े रिंगनेक शायद और रिंगनेक, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ब्लू जो है वो मुझे नजर आ रहा है जी, बिल्कुल इसी तरह एक ब्लू का पेयर है, लाइट थोड़ी कम है, और माशाल्लाह से ये भी आपका ब्रीडर पेयर है? ये भी जी, ये भी ब्रीडर पेयर है। अच्छा, और ये राह का देखिए जिब्रान भी, ये कैसा माशाल्लाह, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, ये माशाल्लाह अभी मोल्ड करके बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये मतलब नए जो है ये आपके तैयार किए आपने ब्रीड के लिए? जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह बस बॉक्स लगने की देर है इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, ये माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छे साइज का बुलंद भाई जी, इसका तो साइज ही माशाल्लाह बहुत प्यारा है। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो आप माशाल्लाह लाजमी कहें, बहुत ही लेंथी और बहुत ही खूबसूरत राखी, तो अपनी ही ब्यूटी है, स्पेशली जो इसके शोल्डर पे रेड कलर आता है, माशाल्लाह बहुत लेंथी पेयर है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो पेयर मैं तो बुलंद भाई यही कहता हूँ, पेयर ऐसे होने चाहिए जो देखने में खूबसूरत लगे ना जी, बिल्कुल। तो कई लोग जो है ना वो मतलब एक मार्केट में एक जो है ना वो बेकार सा पेयर है, इसकी तेल भी नहीं है, बुरा हाल है, लोग जब उस प्राइस को कंपेयर करते हैं आपके खूबसूरत ब्रीडर पेयर के साथ, दुख तो होता है बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, तो दोस्तों को मैं यही बताऊंगा कि एक ऐसा पेयर जिसका पता ही कुछ नहीं है, साइज ही नहीं है, उसकी प्राइस उस ब्रीडर पेयर के जैसी नहीं हो सकती जो घर पे कंफर्म ब्रीडर पेयर है। जानवी मैंने तकरीबन ये मेरा ख्याल है कि 50 पेयर जो है वो अभी तक मैं ले चुका हूँ वाइल्ड वाइल्ड, और उनमें से मैंने सिलेक्शन करके अपने लिए 20 पेयर जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, जो हर लिहाज से इंशाल्लाह जो है वो ओके है, साइज के हिसाब से, ब्रीडर के साथ से, फर्टिलिटी के साथ से, और माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा लेंथी मेल है। अगर आप ये देखें, आपको मार्केटों में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, ये हमेशा एक अच्छे ब्रीडर और एक अच्छे फैंसियर के पास ही खूबसूरत चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। साइज वाइज देखें तो मेरे कैमरे में पूरा नहीं आ रहा, ऐसे मैं कैमरा घुमाता हूँ तो वो जो है ना यहाँ तक तेल आती है इसकी माशाल्लाह, और फीमेल भी माशाल्लाह ऐसा ही है, ये भी ये टेम लग रही है आपकी फीमेल? हाँ जी, कुछ फीमेल्स मेरे पास कैप्टिव है, कैप्टिव फीमेल है जी। अच्छा बुलंद भाई, इसी तरह जो है ये सारी लेन जो है ये आपकी राह की लगी हुई है जी, और माशाल्लाह से सभी ना देखें, ये भी माशाल्लाह से मेल बैठा तो तेल जमीन को टच कर रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा
अच्छा माशाल्लाह, ये सारा जो है बुलंद भाई ने सारा रा लगाया बाबू, माशाल्लाह माशाल्लाह बुलंद भाई, इस पे तो मेरी नजर ही नहीं गई जनाब, ये क्या चक्कर है? ये बिग ब्रीडर जो है स्मॉल ब्रीडर पे कैसे आ गए? ये क्या स्टोरी है? आपको देख के ना, आपको देख के ना, आपने भी लव बर्ड रखे है ना? हाँ जी हाँ जी, लव बर्ड तो मैंने भी आपको देख के जो है ना, ये चार पेड़ रखे हैं, लेकिन मैंने अल्बाइनो रेड है इसके ही रखे हैं। अच्छा अल्बाइनो रेड है, मतलब वो मोटिशियंस वगैरह नहीं है आपके पास? तो बहुत महंगे महंगे बर्ड्स हैं मोटिशियंस के माशाल्लाह। हाँ जी हाँ, और बड़े अच्छे हैं मैंने आपके देखे, लेकिन मेरे पास ये कमर्शियल अल्बाइनो रेड है इसके पेड़। अच्छा बुलंद भाई, आप भी करोड़ों रुपए कमाना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, ज्यादा पैसे जरूरत पड़ गई आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह इनके बच्चे आएंगे तो मैं सेल करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ऊपर चले बुलंद भाई जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी आपने देखा बुलंद भाई के दो सेटअप है, एक नीचे वाले फ्लोर पे और एक ऊपर वाले फ्लोर पे, तो चलिए ऊपर चलते हैं। जी जरूर आए। अच्छा बुलंद भाई, यहाँ से शुरू करते हैं जनाब, ये ऊपर वाले फ्लोर पे आपने क्या रखे हुए? यहाँ पे मुझे ग्रीन हिंगनेक नजर आ रहा है। जैसा जी बुलंद भाई, आपने पहले भी एक दफा हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी कि मैंने ये शेड फॉस्टर पेयर्स के लिए बनाया, फॉस्टर पेयर्स के लिए, क्योंकि मुझे ना इसके रिंगनेक के बच्चे जो है ना वो मदर सेल्फ कराने का शौक है। जी जी, आपने भी करवाए थे? हाँ जी, मैं भी हर साल जो है ना, मुझे ये है कि पहले क्लच के बच्चे वैसे ही हम सेल कर देते हैं, तो सेकंड क्लच के बच्चे जो है ना वो मदर सेल्फ मुझे ज्यादा पसंद है, मदर सेल्फ बच्चे ज्यादा मजबूत भी होते हैं। जी जी जी, और उसके लिए मैंने ये सारा फॉस्टर सेटअप बनाया, फॉस्टर सेटअप। और आपको लगता है कि ग्रीन रिंगनेक जो है वो दूसरे रिंगनेक के लिए बेहतरीन फॉस्टर है? बेहतरीन फॉस्टर, बेहतरीन फॉस्टर। और आप इनको कई साइज क्या दिया हुआ फॉस्टर को? मैंने जिब्रान भी इनको भी अपने दूसरे रिंग नेक्स की तरह ही रखा हुआ है। जी जी, ये नहीं है कि वो जरा महंगे और एक्सपेंसिव बर्ड है तो उनको बड़े केज में डाला हुआ और इनको छोटे केज में रखा हुआ है। मैंने इनको भी जो है ना वो चार फुट इस तरह से है, और ढाई फुट इसकी डेप्थ है, ढाई फुट, और दो फिट इसकी हाइट है, दो फिट हाइट। तो ये सेम साइज मैंने रिंगनेक को दिया है, सेम साइज राह को दिया है, और इसी तरह से मैंने ये ग्रीन रिंगनेक को भी वही दिया है, क्योंकि इसमें वही बॉक्स लगता है, और उसी तरह से इसमें ये भी बर्ड है उन्हीं की तरह बर्ड है, लेकिन हमने जो है वो कीमतों के हिसाब से इनको अलग अलग दिया हुआ। हाँ, लेकिन मैंने इनको बिल्कुल प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट, सारा कुछ। अच्छा बुलंद, यही मेरा अगला सवाल था कि आपके जो एक्सपेंसिव रिंगनेक है और आपके जो ग्रीन रिंगनेक है, क्या उनका डाइट प्लान, उनके विटामिन कैल्शियम एक जैसे होते हैं कि आपने फर्क रखा हुआ? दाने में जिब्रान भी थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जिस तरह से है उसी तरह बताना चाहिए। जी जी, जो नीचे हम दाना डालते हैं जी जी, वो दाना तीन दिन बाद हम निकालते हैं, तीन दिन बाद उसके ऊपर आज जैसे दाना डला है तो डेली उसके ऊपर थोड़ा सा टॉपअप करते हैं दो दिन जी, और तीन दिन बाद उस दाने को निकाल के साफ करके छान के वो ग्रीन रिंगनेक को डाल जाता है, और नीचे जो है वो फ्रेश दाना डाल, नीचे फ्रेश डाल जाता है इस तरह से। इसको बगैर सूर्यमुखी के मैं देख रहा हूँ तो इसमें सूर्यमुखी जो है वो जी बिल्कुल ना होने के बराबर। बाकी जो है वो विटामिन्स के बारे में पूछा आपने, सॉफ्ट फूड वो सेम है, सेम जो विटामिन नीचे डलते वही ना डले, जो सॉफ्ट फूड इनको डालता है फूड और कैल्शियम विटामिन सारा कुछ सेम उसी तरह से। चले आए बुलंद भाई आगे। माशाल्लाह से आपका जितना भी सेटअप है इसमें सारा आपका जो है वो ग्रीन रिंगनेक लगा हुआ, नीचे भी ऊपर भी, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत साइज में, ये तो बिल्कुल ही देखने में राह ही लग रहे हैं ऐसे। ही बहुत अच्छे साइज में जी जुबान भी, अब मोल्ड करके बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, और ये वाइल्ड बर्ड रुक के तैयार हुआ है। जी जी जी, वाइल्ड बर्ड माशाल्लाह बुलंद भाई, देखे हर बंदा जो है ना वो अपने लिए, आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आपने हमेशा अच्छी चीज ही चूज करनी है अपने लिए। बिल्कुल, इसी तरह जो हमारे देखने वाले हैं जो शौकीन है वो अपने लिए हमेशा अच्छी चीज चूज करेगा। बहुत से लोगों को देखा है कि वो जो है ना कोशिश करते हैं, अच्छा यार वो एक बार इतने का महंगा है, ये इसकी जो उंगली है टेढ़ी है या टाइम नाखून नहीं है, चलो सस्ता ले लेते हैं, सस्ता में मिल रहा है ना, तो वो सस्ता ले लेते हैं, लेकिन वो जो है ना आगे ब्रीड अगर कर भी जाए लेकिन देखने में खूबसूरत नहीं, वो खुद ब्रीड तो बाद में है लेकिन बर्ड आपको खुद को प्यारा लगे, खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। हाँ जी हाँ जी, इसी तरह से ये सारे पेड़, ये सारे जो है आपके ग्रीन रिंगनेक फॉस्टर पेड़ है, और ये बुलंद भाई इनके नीचे आप कलर जो है रिंगनेक उनके बच्चे रखते हैं? उनके बच्चे रखते हैं। अच्छा बुलंद भाई, एक सवाल मेरा आपसे और है, बहुत सारे सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं का मौका मिला तो जितने निचोड़ लें आपको, जितना नॉलेज आपसे। बुलंद भाई ये बताइएगा, हर फॉस्टर पेड़ अच्छा फॉस्टर पेड़ होता है या इनमें भी होता है कि यार कोई बहुत अच्छा फॉस्टर पेड़ है और कोई अच्छा फॉस्टर नहीं है? जी बिल्कुल, इसी तरह से हर पेड़ अच्छा फॉस्टर पेड़ नहीं होता। ये हमने भी चेक करके पहले हम इनके बच्चे इन्हीं से पलवाते और जब वो देखते हैं कि कोई पेड़ प्लकिंग ना करता हो जी और जी। अच्छा फीड करवाता हो, बच्चे को अच्छा पालता हो, तो वो चंद पेड़ ऐसे होते हैं, सारे पेड़ इस तरह नहीं होते, सारे पेड़ नहीं। आपको अपने एक्सपेंसिव बर्ड्स के एग्स या जो बेबीज हैं बच्चे हैं वो देख के अपने पेड़ को पहले अगर आप किसी से खरीदते हैं
उसको पहले उसके बच्चों के ऊपर अजमा के और उसकी अच्छी तरह से उसको देख के चेक करके फिर आपने उसके नीचे जी, मैं भी यही दोस्तों को समझाता हूँ, हर पेड़ अच्छा फॉस्टर पेड़ अच्छा नहीं होता, पेड़ नहीं होता जी, बिल्कुल ऐसे जी 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 माशाल्लाह बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने भी पेड़ खरीदे और पेड़ खरीदे आप फॉस्टर करके अपना नुकसान कर ज्यादातर लोग दो नारी पकड़ाते हैं जी, एक बड़ा नार और एक पट्टा, सबसे बड़ा मसला ये है। और जो है बाद उसकी भी गाली निकल आती है, और हमने सोचा होता है इसके लिए हमने पहले वीडियो भी बनाई थी। इसकी पहचान जिब्रान भी मुझे भी नहीं होती, आपको भी नहीं जी, जो ग्रीन इंग्लैंड की फीमेल है, अगर तो उसकी एज आपके पास 3 साल हो गई है तो कंफर्म फीमेल है, अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो देखने में सम टाइम आपको फीमेल लगेगी, लेकिन वो होती नहीं है, तो उसमें उसका डीएनए करवाना जरूरी है। चले माशाल्लाह से, और ये ब्लम भाई सारे आपके जो है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे साइज में आपके सारे फॉस्टर पेड़ हैं जी, और ब्लम भाई इनमें से भी आप सेल करने हैं आपने कोई, वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है अच्छे फॉस्टर पेड़ कोई भी नहीं सेल करता जी, हालांकि उनकी वैल्यू नहीं होती है, लोग रेट भी वही लगाते हैं जो है। एक आम काठे का होता है जिब्रान भी, इनमें से अगर मैं कुछ सेल करूंगा तो अभी तो जैसे सीजन स्टार्ट हो चुका है जी जी, तो अब मैंने इनको बॉक्सेस लगाने हैं, तो मैंने अपने बर्ड्स की पोस्टिंग इनके नीचे करनी है तो हर साल जो मैं नए पेड़ बनाता हूँ तो उसमें कुछ मेरे पुराने पेड़ और कुछ मैंने नए पेड़ बनाए जी जी, तो मैं सीजन एंड पे जो है ना अपने दोस्तों को पहले भी बताता हूँ कि जब सीजन ऑफ हो रहा होता है ना बॉक्स उतारने का टाइम होता है, तो उस वक्त अगर किसी को चाहिए हो तो मैं, क्योंकि वो मेरा चेक किया हुआ होगा ना, चेक किया हुआ होगा गारंटी के साथ पालता है, परफेक्ट बच्चे पालता है वो सारा, फिर वो गारंटी के साथ होगा जी, तो फिर मिल जाएगा इसमें से। चले बुलंद भाई, ये कलोनी जो है ना बड़ी खूबसूरत फ्लाइट है, क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल जी ब्लम भाई, ये माशाल्लाह से आपने फ्लाइट बनाई है बड़ी खूबसूरत, और इसमें मुझे प्लम हेड नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत साइज के येलो नजर आ रहे हैं, क्रीमिनो है और ग्रे है, और ये ब्लम भाई ये पाइप का पीस लग रहा है मुझे शायद थोड़ा सा ना, नहीं जी ब्लम भाई ये मोल्ड पे है, मोल्ड जैसे नीचे से ग्रे पर निकाल रहे, ग्रे पर शुरू में व्हाइट व्हाइट होते हैं, अच्छा अच्छा, और बाद में जो है वो डार्क हो जाए, अच्छा ग्रे के, और ये आपने अपने लिए स्लाइड बनाई है कि जैसे मैं अपने पट्टे छोड़ता हूँ और आप जो है ना अपने पट्टे बिल्कुल इसमें अपने पट्टे माशाल्लाह, और जो फॉर सेल वाले बर्ड होते हैं जैसे पेयरिंग के बाद कुछ एक्स्ट्रा बर्ड हुए हैं जी 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 बिल्कुल, तो वो इसी में छोड़े हुए हैं माशाल्लाह से। बिलान भाई नीचे ना मैंने छापा मारा था, नुक्कड़ में छुपा के लगाया था आपने माशाल्लाह, ऊपर तो आपने खड़े आम ही लगाए हुए लबर जनाब, और ये माशाल्लाह से आपका अल्बाइनो टू अल्बाइनो है, ये क्रीमिनो टू अल्बाइनो है जी, माशाल्लाह से आप छुपे रस्म निकले जनाब, बड़े बर्ड के ब्रीडर हैं, और आप ये क्या लगा के बैठे हुए हैं? बस इमरान भाई आपको देख के मैं तो करोड़ों का कमा रहा हूँ, आप भी चाहते हैं लगता है आपने भी करोड़ों का कमा लिया भी, आपको बताया तो इनका लव बर्ड्स का पहले मैंने रखे थे जी जी, ये बड़े एग्जॉटिक बर्ड रखने से पहले जी जी, तो अब इसका मुझे इतना शौक तो नहीं है, लेकिन अब ये ना कुछ कमर्शियल बर्ड जो है ना, हाँ जी हाँ जी, वो जैसे अल्बाइनो रेड आइस, अच्छा और स्प्लिट और पैस्टलिनो और जिनमें से क्रीमिनो जो कमर्शियल बर्ड है ना, कमर्शियल बर्ड आपने लगाए, अच्छा आपका अच्छा फैसला बुलंद भाई जी, बिल्कुल कमर्शियल बर्ड पे आप काम कर रहे हो, वैसे लगे भी आपको सारे कमर्शियल बर्ड की इनकी ब्रीड जरा जल्दी आ जाती है, हाँ जो बेचने में भी आसानी होती है, बेचने में भी आसानी होती है, तो वो साथ जरा थोड़ा ये है कि वो सिस्टम चलता रहता है। अच्छा माशाल्लाह बुलंद भाई, ये माशाल्लाह आपने फोन जावा भी जो है ना वो अभी लगाई है आपने, और बॉक्सेस भी आपने वो कॉकटेल वाले लगाए हुए हैं, ये क्या स्टोरी है बुलंद भाई? असल में जिब्रान भाई मैंने आप ही से पूछा था, क्योंकि जावा के तो आप माशाल्लाह से अच्छे ब्रीडर हैं, और मैंने तो आपके पास देखा कि आपके पास वो 10-10, 11-11 बच्चे भी ना, हाँ मैंने खुद आपके बॉक्सेस में देखे हैं जी जी, तो जी, जी। आपने मुझे बताया था कि इसका ना बड़ा बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स बड़ा होना चाहिए, बॉक्स लगा देते हैं, हैरानी होती है कि यार मैंने इसी तरह इसको जो बॉक्स लगाया ना वो 8.5 इंच मुरब्बे में बॉक्स लगाया, अच्छा आपके कहने पे, क्योंकि इसके बच्चे ज्यादा ज्यादा निकलते हैं, हाँ जी, तो और ये नेस्टिंग ज्यादा आपको पता है ना नेस्टिंग बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसको मैंने बड़े साइज के बॉक्स में, ठीक है जी ब्रांड, हाँ जी हाँ जी आपने बड़ा अच्छा किया है, मैं बड़ा हैरान हूँ ब्रांड भाई, लोगों ने जावा को फिंचेस के बॉक्स लगाए छोटे छोटे जी, अंडे उनको ज्यादा चाहिए, बच्चे ज्यादा चाहिए, बहुत छोटे लगाए, छोटे छोटे लगाए, वो फिर बर्ड के बच्चे ही ऊपर नीचे आ जाए, हाँ जी, तो लोग ना जो है ना वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, और लोग कहते हैं कि यार इतना महंगा बॉक्स लेने की क्या जरूरत है, हालांकि इतना महंगा फोन जावा का जोड़ा लेकिन बॉक्स वगैरह सस्ता ही लेना है, हाँ जी, तो बॉक्स अच्छा ले बड़ा लगाए जहाँ अच्छी भीड़ चाहिए, तो बुलंद भाई बहुत मजा आया आपका सेटअप देख के, आपके सारे बर्ड देख के, और सबसे स्पेशली जो आपके बर्ड के साइज है ना,
जनाब कमाल है, मुझे बहुत मजा आया आपका सारा सेटअप देख के। ऐसे बात मैं आया हूँ अमेरिका से, शायद आपकी तरह 2 साल बाद मेरा चक्कर लगा, बिल्कुल इसी तरह से 2 साल बाद आया हूँ। बहुत मजा आया इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाते रहेंगे आपकी तरफ आके, और आपसे जो है सारा इलम आपका निचोड़ लेना हमने इस साल, अब खुद ही फायदा लेना दोस्तों को भी लेना। हमें तो बता के खुशी होती है आपकी तरह ना, जैसे आप भी अपना सारा नॉलेज शेयर करते हैं, तो इसी तरह हमें भी बता के बड़ी खुशी होती है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबके ब्रीडिंग सीजन में बरकत डाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का भी वीडियो देखने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।